कार्ड उठाओ। क्या कर रहे हो? हम काम पर हैं। नहीं, इसे तुम पॉकेट में छुपा लो। तुमने ये सर से चुराया है? हाँ, क्योंकि मैं थक गया हूँ इस अमीर सर की सेवा करते करते। तुम्हें पता है हमें भी सुखी जीवन जीने का अधिकार है, तो प्लीज इन्हें घर से बाहर ले जाओ जल्दी। मैं नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जाती। जैसा आप सोच रहे वैसा बिल्कुल नहीं है। क्या बात है, तुमने सबसे महंगे वाले चुराए हैं। बढ़िया, मेरे साथ आओ दोनों। सर प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। तुम्हें पता है तुम्हें इन घड़ियों को चुराने के लिए लंबी समय के लिए जेल हो सकती है। हाँ, मैं दोषी हूँ और मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ इसकी भरपाई करने के लिए। कुछ भी? फिर मुझे तुम्हारी पत्नी को बेच दो। क्या? मेरे पति और मेरे बॉस के बीच मुझे बेचने की बहस होने लगी। उस समय मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मुझे क्या करना होगा इन सब से मुक्त होने के लिए। मेरा नाम मारिया है और ये मेरी प्रेम कहानी है। मुझे ये बस एक शाम के लिए चाहिए, कल मेरा एक जरूरी रिसेप्शन है और मुझे मेरे साथ एक सुंदर साथी चाहिए। मारिया उसके लिए परफेक्ट है। क्या? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मेरी पत्नी कोई चीज नहीं है, वो बिकाऊ नहीं है। मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा, पर डिनर के बाद तुमने जो चुराया है उससे दुगने पैसे मिलेंगे तुम दोनों को। फैसला करने के लिए तुम्हारे पास 10 मिनट है। चलो खिड़की से भाग जाते हैं, हम घर जाके इन सब के बारे में भूल जाएंगे। पर क्या होगा अगर उसका ऑफर हमारी खुशियों की चाबी निकले तो? नहीं एंड्रे, तुमने कहा तुम मुझे नहीं बेचोगे। अपने बारे में बोलना बंद करो। मैं क्यों हमारे भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ और तुम सिर्फ अपने ही बारे में सोची जा रही हो। मैं पिकाऊ नहीं हूँ। अच्छा, तुम अपने घुटनों में बैठ कर जमीन की सफाई करती हो और उसके गंदे कपड़े धोती हो। तुमने अपने आप को वैसे ही बेचा हुआ है सिर्फ थोड़े पैसे के लिए। मारिया जागो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी पैसे ईमानदारी से कमाए। शायद समय आ गया है उसे बदलने का। मैं हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम कुछ भी करोगी हमारे भविष्य के लिए? हाँ, मैं कर सकती हूँ। हाँ, मैं करूँगी हमारे लिए। हमारे लिए? ठीक है, यहाँ आओ। पर क्यों? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो शाम बहुत अच्छी थी और जल्दी से खत्म हो गई। उन लोगों ने मुझे रानी की तरह ट्रीट किया। शायद उनके लिए ये सब एक खेल था। वैसे भी मुझे खरीदा गया था। मारिया, आज तुम बहुत सुंदर लग रही थी, एकदम रानी की तरह। मैंने आज बहुत शैंपेन पी ली है और मुझे इन बर्तनों के पहाड़ को धोना है। नहीं, मैं तुम्हें आज शाम की शान को बर्तन नहीं धोने दूंगा। मैंने सोचा नहीं था तुम ऐसे। जैसे क्या? मिस्टर हॉवर्ड ने मेरे बारे में बहुत सवाल पूछे, मजाक किया और मुझे हंसाया। मुझे उनके साथ नौकर की तरह महसूस नहीं हो रहा था, पर हंसते हंसते और शैंपेन की वजह से मेरा सर चकराने लगा और अचानक से मैं गिर गई। क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारी नहीं हूँ। मुझे पता है। नहीं, तुम्हें नहीं पता। मुझे लगा तुम एक अच्छे इंसान हो, पर तुम सिर्फ मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने कैसे यकीन कर लिया कि तुम अच्छे इंसान हो? मुझे उस घर से जल्द भागना था। चलो यहाँ से जल्दी।
प्लीज। ठीक है। हे, रुको। क्या? पैसे कहाँ हैं? कैसे पैसे? वो मुझे किस करना चाहता था? फिर उसे हमें दुगने पैसे देने होंगे। क्या हो गया है तुमको? वो किस करने की कोशिश कर रहा था, मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। हे, मेरी बात सुनो, तुम वहाँ जाओ और पैसे लेके आओ। ये तुम क्या कह रहे हो? और अगर उसे किस करना है तो कर लो, चलो जाओ। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी, पैसों के लिए मेरा पति एक राक्षस बन गया। इनमें 3 गुना पैसा है जैसा मैंने वादा किया था, और हम इन पैसों को मुआवजे के तौर पे लेंगे उस किस के लिए। पर तुम्हें ये सारे पैसे सिर्फ एक शर्त पे ही मिलेंगे। मरिया यहां रहेगी और तुम इस घर को छोड़कर चले जाओगे। मुझे पता नहीं था तुम इतने बेदिल हो। क्या मैं तुम्हारे साथ बिस्तर पे चलूं? उसके लिए कितना दोगे? एंड्रे ने मुझे इसके लिए पहले ही ऑफर किया था, मैंने ही मना कर दिया साफ साफ। क्या एंड्रे? चुप रहो तुम प्लीज। मरिया, मैं बस तुम्हें उस आदमी से खरीद रहा हूँ जो तुम्हारे लायक नहीं है, अब तुम देखोगे। तो क्या तुम पैसे लोगे? हाँ मैं लूंगा। अब शुरू मत हो जाना प्लीज, हम अभी भी जवान हैं और हमें कोई और मिल जाएगा। ये बस ये पैसे मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, मुझे माफ करना। पैसे तुम्हारे पति को बर्बाद कर देगा, पर मैं खुश हूं कि मैं तुम्हें बचा सका। क्यों? तुमने क्यों किया ये? क्यों किया तुमने ऐसा? मान लो कि तुम सिर्फ इंसानों के जीवन के साथ खेल रहे हो। मुझे नहीं चाहिए। काश मैं तुम्हें डेट पे ले जा सकता, लेकिन तुम एक आजाद औरत हो, फैसला तुम लो। 1 करोड़पति और 1 काम वाली है, डेट पे यकीन नहीं आता। अब से तुम मेरी काम वाली नहीं हो। है ना? मैंने तब से उस घर में काम नहीं किया। मैं अपने नए पति के साथ वहां अपने अंत जीवन तक थी, और उसने मुझे महसूस कराया कि जो तुम्हें प्यार करता है वो तुम्हें कभी इस्तेमाल नहीं करेगा।